हरियाणा डेली पोत देने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु गुरु नरवाणा की राम राम भाई। ऐसा करता हूँ आप सब खुश होंगे स्वस्थ होंगे। नरवाणा हाँ भाई, 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है, एक संस्था है वो करवाने लग रही है और मात्र शक्ति शक्ति है जो करवा रही है। तो बात कराएंगे मात्र शक्ति से भी कैसा अनुभव है, क्योंकि यहाँ पे मेल ने देखे कर हाँ भाई हर समाज कार्य में आ गया, लेकिन मात्र शक्ति है जो माता है बहने वो भी आ गया जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम पिंकी है जी। पिंकी है जी। इस जो संस्था है क्या नाम है इसका? प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन संस्था है। कब से ये संस्था में आप काम कर रहे हो? सर हमें 1 साल हो गया इसे संस्था में जुड़े हुए। अच्छा, ये संस्था कब तैयार की गई थी? सर ये संस्था 3 साल से चल रही है। अच्छा, 3 साल से चल रही है। हाँ जी, ये हमारी हेड है जो सुमित्रा मैडम है, डायरेक्टर है जो हमारे। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, अपना शुभ नाम? सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, आप हेड हो इस? हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन के। हाँ जी। अच्छा जी, नरवाना ब्रांच। क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? सर जैसे अभी ये तो देख रहे हो आप, हम शादी करवाते हैं किसी गरीब परिवार में जिनके भाई नहीं, उनके बाद देती हैं सर डिस्काउंट पे। संस्था सामान देती है गरीब परिवारों को, जैसे एक गुड़िया किसी एक गांव से दूसरे गांव में जाती है तो उनको साइकिल प्रोवाइड करवाती है सर। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करती है जो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं सर। जो चंदा जो पैसा है वो कैसे ऑब्जर्व कैसे है, उसकी इकट्ठा करते हैं सर? ग्रीन कॉपी के माध्यम से हमारे पास 1100 रुपए डोनेशन आती है सर। ग्रीन कॉपी क्या है? कॉपी बनती है सर, संस्था की ग्रीन कॉपी। अच्छा अच्छा, उसको बांटा जाता है गांव-गांव में? गांव में एडवाइजर बनाते हैं सर, ये सारी की सारी टीम यही काम करती है फील्ड के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हमने जैसे मेल्स मतलब लोगों को देखा है इसमें, आदमियों को ज्यादा, लेकिन मात्र शक्ति सारी है? नहीं, इसके अंदर मात्र शक्ति ज्यादा है सर। अच्छा, तो हम इनसे ही बात करें। नमस्कार जी, आप आगे आइए जी। अपना नाम जी? पूजा जी। हाँ जी, पूजा है जी। पूजा जी, आप आराम से बात मतलब बोल रहे हो, लेकिन संस्था के लिए तो एक बुलंद बात चाहिए होती है चलाने के लिए। नहीं सर, मैं तेज बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेहनत बहुत करा जी, तो 1 महीने से हमारे साथ सबसे बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस टीम ने पूरी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि डोनेशन संस्था कोई भी सर डोनेशन से चलती है, ये तो आपको भी पता है, भी बगैर डोनेशन तो कैसे काम चलेगा। तो लोगों ने डोनेशन हमारी पूरी हेल्प की है, पूरी टीम ने भी। 3 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी। और अब तक कितने ऐसे सामूहिक विवाह करवा चुकी है? सर पिछले साल 31 थे, अब की साल 81 शादियाँ होंगी। आज राजौंद के अंदर भी 11 बेटियों की शादी हो रही है। 111। अच्छा, आपकी टीम पूरे हरियाणा में काम करती है? ऑल इंडिया में सर। ऑल इंडिया में काम करती है? हाँ जी। कितने जो लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? सर इधर नरवाणा ब्रांच 300+ है सर। 300+। हाँ, वैसे सर 1500 लोग हैं जो जुड़े हुए हमारे साथ। अच्छा, आपका अनुभव कैसा रहा इस संस्था सर? मुझे इस संस्था के साथ जुड़ के बहुत अच्छा महसूस हुआ है। जो गरीब लोगों के लिए जो हमें करने का सोचा था वो हम कर रहे हैं सर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि वो भी इस संस्था से जुड़े और गरीबों की ज़्यादा अच्छे ढंग से। अच्छा, जैसे कोई गाइड वो भी होती है एक 18 साल या इससे कम कभी आ जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, एज का भी तो पड़ता है? हाँ जी सर, वो कैंसिल हो जाते हैं, 18 से नीचे वाला कोई वो नहीं है, 18 से ऊपर है सर सारे, इसमें लेडीज भी जेंट्स भी सब जुड़ सकते हैं सर। कोई आपको के 1 साल हो गया काम करते हुए? हाँ जी सर। कोई ऐसा परिवार मिला जिन्होंने आप पे दबाव बनाया कि हमारा 17 की लड़की है और शादी आपने कर दो जैसे? नहीं सर, हमने की नहीं है ऐसे। ऐसा केस आया? हाँ जी सर आया है सर, 3 आए थे सर, लेकिन 3 फाइलें हमने कैंसिल करवा दिया सर हमारी सुमित्रा मैडम ने, जो कानूनी तौर से ही काम किया जा रहा है, सारा संस्था जुड़ के काम कर रही है कानून के, उससे ऐसे उससे बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है जो बेपरवाह हो, जिससे कानून हम पे दबाव डाले, कल को संस्था कोई धोखे वाली चीज है ये, जो हम गलत करेंगे तो गलत ही सहयोग मिलेगा, सही सहयोग। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? बरखा। बरखा जी, आप कब से जुड़े हुए संस्था से? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि मेरे देखने के नजरिया है, खुद मेरी भी ग्रोथ हुई है, जो गरीब लेडीज थी उनकी भी ग्रोथ हुई है इसमें जुड़ के। जितनी मैंने यहाँ पर जोड़ी है उन सबके घर में आज है ना आराम से खाना बनता है, क्यों साथ में मिलके उनकी भी हेल्प हुई है और आगे वो और भी कर रही हैं, एक दूसरे का सहारा ही बन रहे हैं हम। और टीम जैसे जोड़ने के लिए आप कैसे आह्वान करते हो? जैसे मैं गांव में गई थी, गांव में सर्वे करती हूँ मैं, जैसे कोई तो ग्रुप में ले जाते हैं, मैं गांव में जाके घरों घर सर्वे करती हूँ, वहाँ पर लेडीज़ों से पूछती हूँ कॉपी बनवाएंगे, सुविधा बताऊँगी सारी, उसके बाद लेडी से जो लेडी से सुविधा लेना चाहती है वो कॉपी बनवाती हैं, जो लेडी से हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहती है वो साथ में हमारे आ जाती है, उनका कोड लगता है फिर साथ में फिर सुविधा मिलती है। हाँ जी, हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर। सामाजिक जो कुरीतियाँ फैली हुई है जैसे महिला जो भ्रूण हत्या या फिर शादी के बाद है वो डावरी सिस्टम है, उसके लिए भी आपकी जो? हाँ जी, करती है सर। कैसे काम करती है? कानूनी कार्रवाई, कानून
जो रहा है उसके सिस्टम से काम करते हैं सर। अगर किसी बहन के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो संस्था उसके उसमें खड़ी है सर। और हाल फिलहाल ऐसा जो का आया हो मामला और आपने उस पर काम किया हो? सर किया है, एड ऑफिस ने किया स्पीडों के अंदर, दो तीन बहनों के साथ ऐसी ज्यादती हुई तो उनका पूरा सहयोग किया। जिनकी आपने शादियाँ कराई है क्या बाद में उनका भी कोई मामला ऐसा आया है? नहीं ऐसा नहीं आया। ऐसा नहीं आया? नहीं सर कोई भी नहीं आया सर। अच्छा एंजॉय हो रहा आपको ये जो आप कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि काम ऐसा करना चाहिए जिसमें सुकून मिले। बिल्कुल दिल खुश हो रहा है सर इसमें। हाँ जी इसमें काम कर रहे हैं जी हम, इसमें एक साल से काम कर रहे हैं जी, एक साल तीन महीने हो गए जी, हमने तो बहुत अच्छा लग रहा है जी इसमें काम करके। गांव गांव जाते हैं सबसे? हाँ जी गाँव गाँव, हाँ जी सबसे कनेक्ट करते हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी सर आइए जी एक बार आप आ जाए जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम से? विक्रम सिंह। विक्रम कहाँ से? नरवाना से जी। नरवाना से। आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि संस्था कब से है और कैसे काम करती है? संस्था लगभग तीन साल पूरे होने जा रहे हैं उसको, अब हो जाएंगे जुलाई में तो इसका तीसरा ऑडिट पास हो जाएगा। फिर हमारा जो डोनेशन होता है जो दूसरी स्टेटों से भी दूसरे कंट्री से भी आएगा, दूसरी कंट्री से भी आएगा कि ऑल इंडिया लेवल होगी नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो फिर दूसरे फॉरेन कंट्री से आने लगेगा। नाम बताने एक बार जरा। विक्रम सिंह। नहीं आपकी संस्था का नाम? प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन। हाँ प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन। ठीक है जी। अभी तो हम डोनेशन इकट्ठा करते हैं और ये लड़कियों को शादी करते हैं, जैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर है हम उनकी चेक तस्दीक भी करते हैं परिवारों की जाके, ताकि कोई जिसका मतलब झूठ बोल के। हाँ झूठ बोल के। ऐसा मामला कभी आया देखने? नहीं आया नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया कोई। ये कह रही आए हैं? नहीं सर वो तीन फाइल है जो आप। मैडम तो रहने दो एक सेकंड मैं बताता हूँ। उन लड़कियों की उम्र थी कम। अच्छा कम उम्र का? हाँ इसलिए हमने उनको एक्सटेंड कर दिया। एक सेकंड हमने एक्सटेंड कर दिया ताकि हम उनके जब उम्र पूरी हो जाए घर जाके शादी कर देंगे। मतलब आपने बोल दिया पोस्टपोन कर दिया भाई करेंगे हम, लेकिन इनकी एज हो जाए। हाँ एक्सटेंड कर दिया नहीं शादी में, रोक दिया हमने पेंडिंग रह लो, जब इनकी उम्र पूरी हो जाए तो घर जाके करवाएंगे शादी। इस तरह जैसे सामान है फेरे जो भी खर्चा हम सारा करा। आपकी टीम में मैंने देखा ज्यादातर मात्र शक्ति अपनी माता बहने ही है। हाँ लेडीज ज्यादा, नारी शक्ति ज्यादा, नारी शक्ति ज्यादा है। पहले हम आदमियों को देखते थे लेकिन हम महिलाएं हैं। हाँ जी हाँ जी। और लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट है। लेकिन लेडीज फर्स्ट और सेकंड कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब बकवास बाजी है। लेकिन है तो फर्स्ट बोल के बोला जाता है, उनको नीचे दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी संस्था में ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ सब समान व्यवहार होता है। और इसके अलावा संस्था जैसे अब प्रावधान बना रही ताकि प्लान बनाए हम, जो गरीब परिवार है गाँव में जाके हम देखे और उनके मकान का भी कोई मान लो हम ऐसा समाधान निकाल दे ताकि मकान बना के दिया जाओ उनसे। अच्छा मतलब इससे अलग भी आप इससे काम अलग भी काम करते में है? हाँ है कि कोई गरीब परिवार है मकान 27 प्रकार की सुविधा तो हम दे रहे हैं। 27 कैसी कैसी? जैसे जैसे बात और पीड़िया जिस बहन के भाई नहीं उसका बात भरती संस्था फ्री। जच्चा बच्चा है उसको पहला लड़का लड़की 1100, दूसरा 2100, 3100, 4100 सब महीने के बाद हम घर ही जाके दे के आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लड़कियों का हाफ रेट पे साइकिल दे रहे रेंजर जो 5500 का आता, लड़के को भी दे रहे 2300 रुपये में। और बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन भी बना रहे हम, एक साल तीन महीने की जो मेंबरशिप पुरानी हो जाए वो रिन्यूअल करते हैं। और ऑलरेडी 4-5 पेंशन पहले चल भी रही है, जैसे लांबा खेड़ी है नरवाना से भी जो पेंशन ले रहे हैं 4-5 परिवार अभी हैं ऐसे। हाँ जी मतलब पेंशन का समझ नहीं आया, वो आप ही दे रहे अपने? हम ही दे रहे संस्था, हरियाणा सरकार से अलग ले रहे हैं और एनजीओ अलग दे रही है। अच्छा एनजीओ अलग दे रही है। ये जिनकी नहीं बन पा रही है पेंशन वो आप भी? जब एज हो जाएगी उनकी, जैसे बुढ़ापा विधवा विकलांग अनाथ पेंशन। एक परिवार, एक जो परिवार है मेरी नज़र में क्या उनकी भी हेल्प करूँगा? हो जाएगी हेल्प, आप जुड़ो उनसे, कहो उनसे जुड़ेंगे हमारे से। हाँ जी हम करेंगे। और इससे अलग क्या काम करते हैं? इससे अलग तो देखेंगे अब आगे आगे जो जैसे जैसे संस्था बढ़ दे रही काम और बढ़ाते रहेंगे। आपके ट्रस्ट को सहयोग देने के लिए आपका क्या नंबर है, क्या अकाउंट है एक बार आप बोल दीजिएगा? मेरा नंबर है जी 972-924-4030। अगर किसी भाई बहन को कोई जरूरतमंद है तो हमारे से संपर्क कर सकता है। अगर सहयोग चाहिए उसके लिए क्या नंबर दूंगा? उसके लिए नंबर भी सही है। कोई देना चाहे पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर देना चाहो इच्छा उसकी कोई डोनेशन, वही तो ना उसके लिए एक आप अपील कीजिएगा जिसमें देना है, या सिर्फ आपसे कॉन्टेक्ट करे तभी दे? नहीं नहीं जब भी है जब अपने हमारी सभी से ये समीशन है कि जिसको भी कोई डोनेशन करना हमारी संस्था का नंबर ले या ब्रांच में आए वहाँ डोनेशन कर सकता है। संस्था का नंबर बता दीजिए सर। 972-9292-8531। ठीक है ये नंबर है जी। आज कितनी कन्याओं का बिहार? आज 11 कन्याओं की लड़की। 11 कन्याओं? हाँ जी। चलो ठीक है धन्यवाद। तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने नंबर बता भी दिया है, ये हर मुद्दे पे है जो सामाजिक कार्यों में उनका शो करते हैं उनकी सहायता करते हैं। गरीब कन्याओं का बिहार या फिर किसी का मकान नहीं बन रहा बिल्कुल गरीब है या पेंशन नहीं है या अपनी
जो एनजीओ की तरफ से ही पेंशन देते हैं, और इस टाइम 11 कन्या हुआ सामूहिक विवाह है नरवाना की धरती पर जाट धर्मशाला में किया जाने लग रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।